इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार 9 जनवरी को एक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की नियुक्ति को रद्द करने को बरकरार रखा क्योंकि वे फर्जी दस्तावेजों पर आधारित। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता जैसा व्यक्ति जिसने जाली शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति हासिल की है किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं हो सकता है और उसके साथ सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता को 2005 में प्राथमिक विद्यालय हर नहीं चकरवा बहोरदास डिस्ट्रिक्ट देवरिया में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 2008 में हेडमास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था। 2015 में एक शिकायत के आधार पर कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति जाली शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर हुई थी एक जांच शुरू की गई थी। उत्तरदाताओं के वकील ने तर्क दिया कि हालांकि याचिकाकर्ता को कई नोटिस जारी किए गए थे लेकिन उन्होंने कभी भी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तदनुसार जांच आगे बढ़ी और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आरोप सिद्ध पाए गए। न्यायालय ने पाया कि रिट याचिका के चरण सहित कार्यवाही के किसी भी चरण में याचिकाकर्ता ने जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों का खंडन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज नहीं लाया था कि उसने जाली दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की थी। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता जांच रिपोर्ट ना देने के कारण हुई किसी भी पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करने में विफल रहा। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए फॉलो करिए लाइव लॉ।